हेलो सर, यस सर। स्मॉल डाउट सर, विच पेपर यू आर यूजिंग सर? बिकॉज यू हैव अप्लाइड वाटर नो सर? दिस इज अ चित्रपट पेपर सर। ओके ओके चित्रपट ओके पेपर ओके थैंक यू लोकल थैंक है, हैंडमेड पेपर चित्रपट 300 GSM। यू ओके 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 थैंक यू सर ओके ओके थैंक यू सर। ओके सर। एंड देन आफ्टर आई विल लोग इसको रूप को बनाते हैं। वाटर कलर हम लोग इंजॉय करके बनाते हैं, कैसे बन रहा है इंजॉय। उसके बाद ये फर्स्ट लेयर होने के बाद हम इसको ड्रायर से इस लेयर को ड्राई करते हैं। ये फर्स्ट लेयर से ये लेयर सूखने के बाद हम हाउस को कलर करते हैं। जस्ट ऑरेंज कलर, आई विल यूज ऑरेंज कलर। ब्राउन कलर बर्न्स है ना।
I will use sap green for the tree. This one sap green. I will use lemon and then after yellow color. स्मॉल ब्रश हम लोग लेते हैं, उसके बाद इसे ट्राई करके and after again I will dry it just
हम लोग स्मॉल साइज का ब्रश का लेके इसका डिटेलिंग देते हैं, ब्राउन कलर। स्मॉल साइज ब्रश फॉर
ह्यूमन फिगर।
हम लोग डिटेलिंग में आते हैं, प्रिंटिंग में। इसको कुछ स्टिक्स वगैरह इधर। स्काइप पे हम लोग कुछ बाल दिखाते हैं, ये सिंपल सा एक कलर लेकर के, ये पेंस ग्रे। मुझे आशा है आप लोगों को मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा।
नमस्कार एवरीवन। हेलो, नमस्ते। हेलो, हाँ सर, हम लोग यहीं पे हैं सारे। जैसा कि ये मेरा, यस यस सर, जैसा कि मैंने ये वाटर कलर बनाया, आप लोगों को इसमें से अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, Q&A फॉर्म खुला हुआ है प्लस हाँ, और टेस्ट टेक्स्ट भी पूरा खुला हुआ है। जिसको भी कोई क्वेश्चन है आप डायरेक्टली वहां से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप Q&A फॉर्म में डाल सकते हैं या चैट में भी डाल सकते हैं। और जैसे कि मैं क्लासेस लेता हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस स्पार्क इंडिया लाइव, स्पार्क लाइव पर, तो अगर कोई आप लोगों को कोर्स करना है वाटर कलर, क्रियॉन्स, पेंसिल शेडिंग और वाटर कलर में सिटीस्केप, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लाइव आप लोगों को क्लास में प्रोवाइड करवाता हूँ। आप लोग लाइव क्लासेस कर सकते हैं लैंडस्केप का। जैसे मैंने आज ये बनाया, इस पे सिंपल मैंने एक पहले ड्रॉ किया, उसके बाद वास किया मैंने। इसमें वास करने के बाद जो मैंने कलर्स का कलर वास दिया, उसको ड्राई किया मैंने ड्रायर से। ये ड्रायर है, ड्रायर, इससे मैंने इसको ड्राई किया। और ड्राई सूखने के बाद मैंने सेकंड लेयर पे इसमें डिटेलिंग्स दिया। लेयर वो सूखने के बाद इसमें मैंने कलरिंग किया। ये आपका ऑरेंज, सैप ग्रीन और स्काई सम बर्ड्स, ये पर्सन ब्लू। देन आफ्टर ये सूखने के बाद इसको किया। और देन आफ्टर यू कैन यूज दिस ब्रशेस, दिस वन, ये ब्रशेस है आपके ब्रुष्टो का ब्रशेस है, इसे मैंने वॉश किया। और ब्रुष्टो का ये सिंपल हेयर सा ब्रश है, ब्रुष्टो हेयर ब्रश है, इससे मैंने डिटेलिंग्स जो पेड़ को, ये पेड़ के हैं, इससे मैंने इनका डिटेलिंग्स दिया। तो इससे आप लोग एक के सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप को ड्रॉ करके उसको हम लोग कलर देते हैं और एक फील आता है जैसे कैसे मैंने ड्रॉ किया और वो दिख रहा है मुझे। तो होप आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ मैं यही कहूंगा कि आप लोग मुझसे जुड़िए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग को मैं आर्ट का और नेक्स्ट लेवल में अच्छे अच्छे और अच्छे चीज बता सकूं और आप लोग सीख सकें। सर का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। जो भी इंटरेस्टेड है इस लिंक को क्लिक करके सर का क्लासेस डायरेक्टली ले सकते हैं। सर, आपके लिए क्वेश्चन आया है, ब्लैक यस सर, शेड। हाँ, मैं बोलता हूँ, ब्लैक शेड का जो भी यूज किया उसके बारे में बताने के लिए बोल रहे हैं आपको। अच्छा, ब्लैक शेड का, ब्लैक हाँ सर, हाँ सर। शेड, हाँ यस सर, ब्लैक शेड में मैंने जो यूज किया, तो ब्लैक शेड में मैंने ये कैमल का पैंस ग्रे कलर है, ये वाटर कलर आर्टिस्ट पैंस ग्रे, इसको मैंने पैंस ग्रे को ब्राउन के साथ ये बर्न साइना में मिक्स करने के बाद इसको मैंने उसका डिटेलिंग दिया। ये सिंपल पतला ब्रश से, ये ब्रुशो का ब्रश है, ब्रुशो का ब्रश से मैंने ये डिटेल्स करने के बाद ये शेडिंग दिया, ये पैंस ग्रे। देन आफ्टर बर्न साइना और उसका शेड लेने के लिए पेड़ में मैंने ये सैप ग्रीन के साथ भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कर, ये है ना, ये पेंस ग्रे लिया मैंने, उसके बाद ये सैप ग्रीन, इसको इस शेप करके मैंने ये डार्क कलर बनाया, ग्रे कलर। डायरेक्टली हमको ब्लैक कलर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर यूज करने से वो अच्छा नहीं दिखता है, सैप ग्रीन। और मैंने ये पेंस ग्रे और सैप ग्रीन मैंने यूज किया। आप बर्न साइना, ये आपका बर्न साइना है, आप बर्न साइना और या पेंस ग्रे या फिर हल्का सा डार्क ग्रीन भी यूज कर सकते हैं इस शेडो देने के लिए, ताकि इसमें ये डिटेल्स नजर आए और थोड़ा उभर कर सामने आए और ये अट्रैक्टिव लगे हमेशा। इसलिए लास्ट में सारा चीज सूख जाने के बाद हम लोग डार्क कलर का यूज करते हैं फाइन ब्रश से। और आप लोगों को कुछ क्वेरी है? हेलो सर, यस मैम। आपकी ड्राइंग काफी काम और पीसफुल दिख रही है, बट इसमें हमें कॉम्पोजिशंस और ड्राइंग टेक्निक्स एंड कलर थ्योरी वगैरह भी बताएंगे, ऐसा मैसेज था, बट अच्छा, कलर थ्योरी वगैरह ना। अच्छा मैम, मैं उसका भी थोड़ा सा कंपोजिशन का, कलर थ्योरी में सिंपली हम लोग इसमें कोई इन्वायरमेंटल कलर्स किया गया, जैसे कि ये हॉट कलर, ये कूल कलर को दिखाया गया है, और ये हम लोग ड्रॉ करके एक सिंपल सा बनाया है। मैं आपको कुछ और ड्राइंग दिखा रहा हूँ जिसे मैं कलर थ्योरी, मैं दिखा रहा हूँ, वेट। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इस ड्राइंग पे मैंने ये मैंने कलर का यूज किया है पर्पल कलर, और ये जैसे ऑटो दिख रहा है, ये कूल कलर्स में सारे हैं,
और ये हॉट कलर्स में इसको शो किया है। कंपोजिशन में दिख रहा है कि कैसे ये दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं, फोकस इसी पे जा रहा है, ये कुल कलर्स है आपकी। और सेम ये जैसे कि देखते हैं ये पूरा एक ड्राइंग में, इसमें पूरा ये कुल कलर्स इसमें दिखाया गया है। और ये सिंपल लेमन या लेमन येलो है, सैप ग्रीन है, और ये ट्री है, और ये बोट में जैसे जा रहा है तो आपको ये इसमें दिख रहा है। इसमें भी दिखाया गया, देखिए कैसे दिखाया गया है, जैसे ये फोकस में ये हाईलाइट या कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिया गया है, ये लाइट पे फोकस आ रहा है, ये आपका ये साइड में फ्रंट में फुल कलर्स दिखाया गया है, और ये आपका पर्पल और ऑरेंज का मिक्स दिखा करके दो ह्यूमन फिगर और ये ड्राइंग को दिखाया गया है। सिंपल सा इस वन ये ड्राइंग भी सिंपल है, इसमें भी वही कलर कॉम्बिनेशन या डार्क थोड़ा किया गया, डार्क के कलर करके बनाए हैं। क्वेश्चन और एक है, इस पेंटिंग पेंटिंग स्टाइल का कोई स्पेसिफिक नेम है जो आपने अभी बनाया है? हाँ, ये इसको मूडी हम लोग ये लैंडस्केप बनाए हैं, थोड़ा सा इसको एब्स्ट्रैक्ट में डाल दिए हैं, लैंडस्केप ये क्लियर नहीं किए हैं, लैंडस्केप में सिंपल आएगा ये। और ये जैसे कि इस दिखा रहे हैं, ये है आपका स्टेचू का हम लोग कलर मैंने किया है, ये आपका वाटर कलर है इन चित्रपथ पेपर पर जैसे आपको दिख रहा है। और चीज, अगर किसी को भी कोई एडवाइस चाहिए फ्री में, आप स्पार्क लाइट ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सर का प्रोफाइल वहीं पे मिलेगा। सर एक में ये सिंपल सा आप देखिए ये पेंटिंग को, इसमें क्या गया है, ये कूल कलर्स लिया गया, अपोजिट कलर्स, ये कूल कलर है वार्म कलर और ये कूल कलर, ये जो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री बनाया गया है, इसके बाद कूल के बाद सीधा वार्म, और ये ड्रॉइंग में दिखाया गया है इस कलर में मैंने जो बनाया है इसको। ये आपका सिटीस्केप है और इसमें ये कार है, ह्यूमन फिगर, यहाँ वार पूरा फोकस इसका इस हाउस पे जा रहा है, इस एरिया पे, ताकि ये अट्रैक्टिव, इसी पे अट्रैक्टिव लग रहा है। साइड में इधर कूल कलर्स और ये इधर भी पर्पल, ये कूल कलर्स में दिखाया गया है। सर को आप कोई भी मैसेज करना चाहते हो तो फ्री में, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप अगर स्पार्क लाइफ ऐप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर में, सर के नाम से सर्च करते हो तो सर को आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आपको कोई एडवाइस चाहिए फ्री में। अगर आपको सर का कोई भी क्लासेस लेने का इंटरेस्ट है तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है ऑलरेडी, आप लिंक के थ्रू देख सकते हो। और कोई भी सवाल है तो अभी भी हमारा पोर्टल ऑन है, आप सवाल पूछ सकते हो, हम सवाल को भी लेने के रेडी हैं। This one is also another drawing. प्लीज आस्क द क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, क्यू एन ए बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ओपन है, आप दोनों में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम वर्कशॉप यहीं पे एंड कर देंगे। प्लीज अगर कोई भी क्वेश्चन है हम और एक दो मिनट मैक्सिमम रुकेंगे, अगर आप क्वेश्चन है हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम वर्कशॉप को यहीं पे एंड करेंगे। रेलवे स्टेशन, मैं पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कॉम्पोजिशन का किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे किसी ने कहा कॉम्पोजिशन का, तो पर्सपेक्टिव मैं टू टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये आपका सपोज ये पॉइंट है, आप किसी भी ये वेंजिंग पॉइंट, दिस इज द वेंजिंग पॉइंट, यहाँ से हम एक मान लो सपोज हम लोग रेलवे ट्रैक को देखते हैं, तो रेलवे ट्रैक का ये आपका हमें ऐसे दिखता है, और यहाँ से वेंजिंग पॉइंट में ये दोनों जो है ये एक जगह पे ज्वाइंट हुआ दिखता है मुझे, ये वन टू, ये जैसे रेलवे लाइन्स है, और यहाँ से मां सपोज हम लोग यहाँ पेड़ कुछ बिजली के तार के खंभे जो होते हैं वो बना रहे हैं, और दूर के चीजें होती है वो
स्मॉल में दिखाई देती है और सामने जैसे जैसे होती है हमें बड़ी दिखाई देती है. तो ये दिस वन इज, ये सवाल किया था. तो हम लोग ऐसे करके ये इसको, दिस वन इज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव. वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग, मैं चेयर दिखा रहा हूँ बना के, जैसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये है टेबल, सॉरी टेबल, ये दिस इज द वैनिशिंग पॉइंट और ये टेबल मैंने ऐसे किया. और अब इसको हम इरेज कर देते हैं और ये आपका टेबल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में बन जाता है. इसके बाद अगर हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव देखते हैं तो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव एक यहाँ पर ये हॉरिजन लाइन, सपोज यहां से ये, इसे हम बिल्डिंग का ये हम लोग ऐसे करके यहां से ये टू, ये एक पॉइंट टू पॉइंट, यहां से हम लोग ये, और यहां से मान ली सपोज कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही आएगा. और इधर से हम एरो देते हैं, ये वैनिशिंग पॉइंट है, ये हॉरिजन लाइन. और आई लेवल में आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्लास, यहां से हम शो करते हैं इसे नीचे जाते हुए, ये ऊपर का पार्ट जो होता है, जैसे नीचे जाएगा तो ये ऊपर का पार्ट हमें दिखता है, फिर और नीचे इसे, और ये ऐसा नीचे का पार्ट दिखता है, और ऊपर जाने से ये ऊपर ढक जाता है और नीचे का ये हमें दिखाई देता है. आई व्यू हम लोग ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये था आई व्यू. और भी है सारे डिटेल्स में आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे साथ क्लासेस को ज्वाइन कंटिन्यू करते हैं तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा आगे. आपके लिए एक सवाल है, दो yes, सवाल sir. एक है कौन सा पेपर, विच पेपर इज बेस्ट फॉर वाटर कलर. वाटर कलर जैसे कि एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है. वाटर कलर लोकल अगर स्टूडेंट यूज कर रहे हैं तो वो लोग हैंडमेड पेपर यूज कर सकते हैं. और फिर चित्रपट आता है, फिर वाटर कलर पर 300 जीएसएम एस्टेरिया क्लासिक और ब्रुस्टो, देन आफ्टर कैंसन पेपर. कैंसन पेपर इज द बेस्ट, कैंसन पेपर आता है. और आपका फेब्रियानो भी आता है, फेब्रियानो मैस्टेरिया कैंसन. और मैंने अभी जो बनाया है सारे ड्राइंग्स मैंने चित्रपट पेपर पे बनाया है. ये चित्रपट पेपर भी अच्छा है वाटर कलर बिगनर्स के लिए. अगर प्रोफेशनली आप लोग करते हैं तो कैंसन हो गया, मैस्टेरिया हो गया, फेब्रियानो इज द बेस्ट पेपर. ठीक है सर. और एक क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट पेपर फॉर चारकोल एंड व्हाट टाइप ऑफ चारकोल इज बेस्ट टू ड्रॉ. चारकोल में बहुत यूज करता हूँ, अभी तो उतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ. बट चारकोल के लिए जो चारकस, जो छोटे छोटे चारकोल्स आते हैं उसका हम लोग सिंपली उस पर आप लोग यूज कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट लेवल के हैं तो आप लोग आइवरी शीट पर इसका यूज कर सकते हैं. इसका हैंडमेड पेपर वाटर कलर के लिए होता है. आप लोग चारकोल पेंसिल को आइवरी शीट में यूज कीजिए या फिर उसका आर्टिस्ट पेपर, ये आपका बेस्ट है. ये हैंडमेड पेपर वाटर कलर्स के लिए आते हैं, ये इसके लिए है. ठीक है सर. ओके. और आप लोगों किसी कुछ पूछना है? सो एक क्वेश्चन आया था कलर थ्योरी पे, व्हाट इज कलर थ्योरी, हाउ टू मेक योर स्पेसिफिक कलर पैटर्न यूजिंग वार्म एंड कूल कलर्स. स्पेसिफिक वार्म कलर्स जस्ट हम लोग कूल कलर्स में हम लोग सिंपली हम लोग जैसे कि आपका ये पेंटिंग था, एक मैं दिखा रहा हूँ.
वाहन कलर में आपका रेड आता है, ऑरेंज आता है, और जो हॉट ये जैसे कि आपका ऑरेंज कलर हो गया, ये आपको मैं आप कलर प्लेट में दिखाता हूँ। जैसे आपका ऑरेंज कलर, रेड कलर और येलो कलर, ये सब को हम लोग वार में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है, जैसे वार्म कलर में ये आपका आंख को ये चुभ रहा है, जैसे ड्राइंग है, आंख में एक रिफ्लेक्शन टाइप का पड़ रहा है, लेकिन कूल देखने से हमें अंतर से एक कूल का आभास होता है। जैसे कि कूल कलर्स में एक ये मैंने दिखाया था, ये वार्म कलर में आ जाएगा, ये कूल कलर में इसको आप देख सकते हैं, ये आपका कूल कलर में आएगा। जैसे कि ये हरे हरे ट्री है, ये बोट है, ये जा रहा है, कूल में ही हम लोग दिखा सकते हैं इसको। और कलर थ्योरी के लिए मैं आपको अलग से डेमो दे दूंगा। और कलर थ्योरी जैसे कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स रेड येलो एंड ब्लू, वो प्राइमरी कलर्स में आते हैं, और सेकेंडरी कलर्स में उसको मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। इस तरह से हम लोग कलर्स थ्योरी भी है। ठीक है, और किसी सवाल है? अभी टाइम के हाँ नहीं है, इसलिए मैं उतना सर, डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। हाँ सर, तो अभी के लिए आई गेस इतना ही है, और कोई सवाल एक्स्ट्रा आया नहीं है। बट किसी को चलो कोई एक्स्ट्रा सवाल पूछना है, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई सर का क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो ऑलरेडी लिंक आपका चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक से सर को फॉलो कर सकते हैं। सर से कोई सवाल पूछना है आपको, उनका कोई भी सवाल होगा, कोई डिटेल्स होगा, सर आप वहीं से पूछ सकते हैं सर से, उनके क्लास लेके, या फिर उनको डायरेक्टली स्पार्क लाइव ऐप के थ्रू SMS मैसेज करके। सो सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप, एंड फॉर नाउ विल बी टेक अ लीव फ्रॉम दिस वर्कशॉप, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वर्कशॉप विल बी अरेंजिंग। सर थैंक यू वेरी मच और फॉर, आप सबको मेरा व्हाट्सएप में अटेंड करने के लिए अंदर से नमस्कार, सादर प्रणाम करता हूँ मैं सबको। थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, बाय सर। यू, थैंक यू।